आज मैं आपको बताऊंगा एक लॉन्ग टेल कीवर्ड एक महीने के अंदर गूगल में रैंक कैसे हुआ, और उससे भी बड़ी बात फ्रेंड्स, उस आर्टिकल के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये सारी चीजें मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। आर्टिकल ना लिखने पे भी अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड गूगल में रैंक हो रहा है, तो अगर आप एक अच्छा सा आर्टिकल लिखेंगे और उसके साथ हेल्पिंग कीवर्ड्स डालेंगे, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपका वो आर्टिकल गूगल में जल्दी रैंक करेगा, और ये प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे गूगल में मैंने सर्च करा एफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगनर्स कीवर्ड रिसर्च ट्यूटोरियल। यहाँ से पेज को थोड़ा सा नीचे करेंगे, ऊपर जितने भी आ रहे हैं सारे वीडियोज आ रहे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे मेरी वेबसाइट का लिंक आ रहा है। मैं एक बार इसे रिफ्रेश कर देता हूँ जिससे आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना हो। आप देखेंगे सेम वही रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरी वेबसाइट ओपन हुई और इसके अंदर मैंने कोई भी आर्टिकल नहीं लिखा। जब से मेरी वेबसाइट का स्पैम स्कोर इंक्रीज हुआ, बैड बैकलिंक्स बनने लगे, तब से मैंने इस वेबसाइट में काम करना छोड़ दिया। दूसरी वेबसाइट्स में मैं ऐसे ही काम करता रहता हूँ, पर अब मैं वो किसी को भी नहीं बताता। अगर इस वेबसाइट में फ्रेंड्स बिना आर्टिकल लिखे गूगल के अंदर मेरी वेबसाइट रैंक हो रही है, तो जो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा और आप आर्टिकल लिखेंगे, तो डेफिनेटली आपकी भी वेबसाइट रैंक होने के चांसेस है। गारंटी कोई भी नहीं ले सकता, पर एटलीस्ट चांस तो जरूर बनेगा। ये सब कैसे हुआ ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं हूं वेदांत और वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। अब यहां नोटिस करें फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर कीवर्ड्स डाले हैं। आप देखेंगे मेरे टाइटल के अंदर ही एफिलिएट मार्केटिंग, कीवर्ड रिसर्च और बिगनर्स, ये सारे कीवर्ड्स इसके अंदर मिलेंगे। मैंने दो तीन कीवर्ड्स को मिक्स करके अपनी एक हेडलाइन बनाई। क्या आपकी हेडलाइन उतनी पावरफुल है, उसके अंदर वो कीवर्ड्स है, उसका एसईओ स्कोर कितना है, या फिर उसकी गूगल में सर्चेज हो भी रही है कि नहीं हो रही। हम कीवर्ड्स का तो चेक कर लेते हैं, पर टाइटल पे हम ध्यान नहीं देते। और आज मैं यही बताऊंगा कि टाइटल का एसईओ स्कोर कैसे चेक करेंगे, गूगल में उस टाइटल की कितनी सर्चेज हो रही है, और उस पोस्ट की पोजीशन क्या है गूगल के अंदर, यही सारी चीजें बताऊंगा। अब उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूंगी, एक महीने के अंदर रैंक का प्रूफ क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। नीचे आप देखेंगे आज 28 अक्टूबर है, पर जब तक मैं वीडियो अपलोड करूंगा 29 अक्टूबर हो जाएगी, और 29 सितंबर को मैंने ये पोस्ट ऐड करी थी, और गूगल में जाके अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो वहां पे भी 29 सितंबर ही दिखा रहा है। इतना बड़ा कीवर्ड कोई भी नहीं डालता, पर एटलीस्ट फ्रेंड्स अगर आप इसमें आर्टिकल लिखेंगे और इसके साथ हेल्पिंग कीवर्ड्स लेंगे, जिसमें एफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगनर्स होगा, कीवर्ड रिसर्च फॉर बिगनर्स होगा, जो भी आप कीवर्ड्स लेंगे वो कीवर्ड्स अपने आर्टिकल में अच्छे ढंग से डालेंगे, तो वो कीवर्ड पे भी आपकी पोस्ट रैंक होगी। अगर आपको ये नहीं पता ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं, कीवर्ड प्लेसमेंट कैसे करते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ। आपको YouTube में जाना है, सर्च बार में लिखना है टेक्नो वेदांत ऑन पेज एसईओ। सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा जिसपे मैंने ऑन पेज एसईओ और कीवर्ड प्लेसमेंट की टेक्निक बताई है। एक साल पहले वीडियो बनाया था, पर आज भी ये टेक्निक काम करती है। और आप देखेंगे जो मेरा मेन कीवर्ड है एफिलिएट मार्केटिंग, और उसके बाद मैंने दूसरा कीवर्ड लिया कीवर्ड रिसर्च, दोनों मैंने हेडिंग में भी लिखा है, और ऊपर मेरे यूआरएल में परमालिंक में भी शो कर रहा है। नीचे मेरी स्टार्टिंग भी इसी कीवर्ड से हो रही है, और उसके बाद ये कीवर्ड लिखने के बाद मैंने लास्ट में वीडियो लिख दिया, फिर से सेम एफिलिएट मार्केटिंग कीवर्ड लिस्ट के बाद मैंने डाउनलोड लिख दिया। बिना आर्टिकल लिखे मैंने कीवर्ड्स को इतनी बार प्लेस कर दिया, और वो भी रैंक हो गया। अब हेडलाइन का एसईओ स्कोर कैसे चेक करेंगे, कैसे उसे पावरफुल बनाएंगे, अब मैं आपको वो बताता हूँ। गूगल ओपन करना है, आपने हेडलाइन एनालाइजर्स लिखना है। फर्स्ट लिंक आ रहा है, आप रैंडमली किसी को भी क्लिक कर सकते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, जस्ट मैंने फर्स्ट वेबसाइट को क्लिक करा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी हेडलाइन पेस्ट करनी है। हेडलाइन मतलब जो भी आपका टाइटल है, मेरा ये वाला टाइटल है, मैं यहीं से इसे कॉपी करूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद एनालाइज नाउ के ऊपर क्लिक करा, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना नेम, ईमेल आईडी, कंपनी नेम, वेबसाइट का यूआरएल और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आप कभी भी अपना ईमेल आईडी वाला बिल्कुल भी ऐड ना करें। आपका जो ईमेल आईडी का पासवर्ड होता है वो कभी भी किसी भी वेबसाइट पे शेयर ना करें। उसके बाद गेट माय रिपोर्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। कुछ सेकंड लेगा ये एनालाइज करने में, उसके बाद आपके सामने ये रिजल्ट शो करेगा। यहाँ पे न्यू पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन करना है। यहाँ पे आपके सामने कुछ एड्स आएंगी, बेसिकली अपनी प्रमोशन के लिए कर रहे हैं। राइट साइड टॉप में आपको क्रॉस का बटन दिख रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसने मेरा हेडलाइन स्कोर मुझे दे दिया, और एसईओ स्कोर में भी यहाँ पे आपके सामने हाइड होगा। मैं ऑलरेडी इस हेडलाइन को सर्च कर चुका था, तो इसलिए एसईओ स्कोर उसने डायरेक्ट दिखा दिया, पर आपके केस में वहाँ पे ब्लैंक होगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा।
और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएगी। अब इन ऑप्शंस के बारे में मैं बताऊंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहली ऑप्शन आ रही है कीवर्ड क्वालिटी। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरे को हाई क्वालिटी दिखा रहा है, 72% मेरे इस हेडलाइन की क्वालिटी है क्योंकि इसके अंदर मैंने कीवर्ड प्लेसमेंट बहुत अच्छे तरीके से करी है। और जो इसमें मेरे कीवर्ड्स आ रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च ट्यूटोरियल, एफिलिएट मार्केटिंग रिसर्च ट्यूटोरियल, कीवर्ड रिसर्च, यहाँ पे पॉइंटर ले जाएंगे तो यहाँ से मुझे इसका थोड़ा ये आइडिया देगा कि इन कीवर्ड्स में कितनी सर्चेज हो रही है, ट्रेंड क्या है, कॉम्पिटिशन क्या है, मुझे यहाँ से उसका आइडिया मिल जाएगा। उसके नीचे ऑप्शन आ रही है कीवर्ड डेंसिटी। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो मेरी कीवर्ड डेंसिटी 67% है। और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आपको लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो जस्ट यहाँ से आपने इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद गूगल ट्रांसलेट में जाके ऊपर इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने हिंदी को सिलेक्ट करा है और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है। और यहाँ पे देखेंगे इस कीवर्ड में, मतलब जो मेरा टाइटल है, उसकी मंथली सर्चेस कितनी हो रही है, सर्च कंपटीशन लो है। उसके बाद सर्च कंपटीशन हम देख चुके हैं, कीवर्ड ट्रेंड, इस कीवर्ड की ट्रेंड क्या है। अक्टूबर 2020 में ये कीवर्ड थोड़ा डाउन था और इस समय जो सितंबर खत्म हुआ है, अक्टूबर अभी चल रहा है, तो सितंबर में आप देखेंगे इस कीवर्ड की सर्चेज 3.25 लाख से ज्यादा है। सर्च प्रीव्यू किस तरह का दिखाई देगा मुझे वो भी बता रहा है। हेडलाइन का कंपटीशन कैसा है मुझे उसका भी ये आइडिया देगा। और यहाँ से मैं पेज को नीचे करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो वेबसाइट्स रैंक हो रही है उसमें मेरी वेबसाइट का भी नाम आ रहा है। जितने भी ये पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अभी एक दो फीचर्स और है, ऐसा मत करना कि यहीं पे वीडियो आप स्टॉप कर दो। मोस्टली ऐसा ही होता है और उसके बाद आपकी जो नॉलेज होती है वो इनकम्प्लीट होती है और आपको वीडियो से किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। उसके बाद कीवर्ड वेरिएशंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे इन कीवर्ड्स को भी हम यूज कर सकते हैं अपने आर्टिकल के अंदर। इसने मुझे ये चीजें डिटेल्स में बता दी और रिलेटेड क्वेश्चंस भी दे दिए। आप इसको H2, H3, H4 के टैग बना सकते हैं और इसमें भी आप आर्टिकल लिख सकते हैं। और अगर ये वाले सारे कीवर्ड्स में से 3-4 भी कोई गूगल में रैंक हो गए तो आप समझ सकते हैं आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। अब लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन दिख रही है, जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपको ये कह रहे हैं अपने पावर वर्ड्स को इंक्रीज करो, अनकॉमन वर्ड्स को भी इंक्रीज करो और कॉमन वर्ड्स को भी इंक्रीज करो। अगर आप इनकी और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इनके आगे एक लिंक दी है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वो ऑप्शन आ जाएगी, पावर वर्ड्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे आपके पास बहुत लंबी लिस्ट आ जाएगी। अब इस लिस्ट में से अगर आप कोई वर्ड लेना चाहते हैं जो आपके टाइटल के साथ मैच करे तो एटलीस्ट उसे आप जरूर ऐड करें, जिससे आपका टाइटल और पावरफुल बन जाएगा और हो सकता है गूगल में और जल्दी रैंक हो जाए। 1 महीना ना लगे, उससे भी कम टाइम लगे। यहाँ से पेज को नीचे करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, कॉमन वर्ड्स, अनकॉमन, इमोशनल, पावर। राइट साइड में आप देखेंगे इमोशनल, अनकॉमन, कॉमन, ये सारे वर्ड्स जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके टाइटल के साथ इनमें से कौन से वर्ड्स मैच कर रहे हैं। अगर गूगल में आपको रैंक करना है तो इस तरह से आपको टाइम थोड़ा देना पड़ेगा। मैं भी इसी तरीके से करता हूँ। ऐसे ही टॉपिक के साथ मैं आपको फिर से और बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।